नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लास से जुड़े पीडीएफ और नोट्स इंस्टा मोजो पर खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अनअकेडमी पर भी आ गया हूँ, तो प्लीज़ आप अनअकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकेडमी में आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे, और फ्यूचर में मैं भी यहाँ पर अच्छे अच्छे कोर्सेज लेकर आने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप सीधे फॉलो हमें कर सकते हैं अनअकेडमी पर। तो चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शेयर मार्केट, जिसे पूंजी बाजार भी कहा जाता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ किस चीज़ की खरीद बिक्री होती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार, ठीक है, पूंजी बाजार। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, शेयर बाजार में क्या होता है, अंश पूंजी जिसे शेयर भी कहते हैं, ठीक है, और प्रतिभूति जिसे सिक्योरिटी कहते हैं, इनका लेन देन होता है। अंश पूंजी मतलब जैसे कोई कंपनी, ठीक है, वो टोटल जो उसका कितना होता है शेयर, उसका 100% होता है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी जिसका जो पूरा वित्त है वो 100% है, तो इसके 1%, 2%, 3%, 5%, ये सारी चीज़ जो है इनका जो हिस्सेदारी है वो बिकता है, जिसे हम अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है लेन देन होता है अंश पूंजी का शेयर बाजार में, साथ साथ प्रतिभूति और सिक्योरिटी। प्रतिभूति क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे हम गिरवी रख के वित्त की उगाही कर सकते हैं, मतलब जिसे गिरवी रख के या बेच के हम उसे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का लेन देन होता है शेयर मार्केट में, ठीक है। और इस बाजार का जो पूरा नियंत्रण करता होता है, नियंत्रण करता है वो कौन होता है, वो सेबी करता है। और सेबी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि बताना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सेबी की स्थापना कब हुआ, 12 अप्रैल 1988। तो कम से कम आपको ये ईयर पता होना चाहिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है मतलब हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखते हैं 1998 में जब सेबी बना, तो इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी मतलब कुल संपत्ति जिससे वो बना कितना थी, 7.5 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसकी जो प्रवर्तक कंपनियां थी वो थी IDBI, ICICI और IFCI, ठीक है। ये तीन जो है प्रवर्तक थे, इनके द्वारा ये निर्मित हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय पूंजी बाजार का जो विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ, वैधानिक मतलब कानूनी अधिकार समझ लो, ठीक है, किसको है, सेबी को ही है। तो शेयर मार्केट में हम इतना चीज़ पढ़े हैं। अब बात करेंगे इसके आगे प्रतिभूति क्या होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे बेसिक चीज़ बता दिया कि जो प्रतिभूति होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, ऐसे दस्तावेज जिसकी खरीद बिक्री, ठीक है, ऐसा दस्तावेज जिसकी बिक्री कर आप वित्त की उगाही कर सकते हैं, तो ये होता है प्रतिभूति, ठीक है। तो प्रतिभूति आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा सरकारी प्रतिभूति जिसे ट्रेजरी भी कहते हैं, और दूसरा होता है निजी प्रतिभूति, ठीक है। सामान्य तौर पर निजी प्रतिभूति को बॉन्ड या प्रतिबंध कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हो गई। अब देखते हैं पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से भिन्न है। पूंजी बाजार जो होता है मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार जो होता है अल्पावधि की वित्तीय व्यवस्था बाजार है, जबकि पूंजी बाजार मध्यम तथा दीर्घकालिक कोषों का आदान प्रदान किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है मुद्रा बाजार से भिन्न है। भारतीय पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है चलिए हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम भारतीय पूंजी बाजार को जो दो भागों में बांटा गया है, वो है पहला आपको गिल्ड एज्ड बाजार, जिसको गिल्ड एज्ड मार्केट हो गया, ठीक है, इंग्लिश में। अब दूसरा होता है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं गिल्ड एज्ड मार्केट। तो ये जो होता है इनका पूरा नियंत्रण किसके द्वारा होता है, RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके माध्यम से यहाँ पे ये याद रखिए, केवल सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। आप सरकारी पे फोकस कीजिए, हमने बताया था कि सरकारी प्रतिभूति क्या होता है, ट्रेजरी होता है, ठीक है। तो ट्रेजरी का ही क्रय विक्रय यहाँ पे होता है, ये समझ लीजिए आप। सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का, सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, और ये सबसे सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। तो जनरली आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट बहुत खतरा रहता है, वहाँ पे पैसा लगाना, वहाँ बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा बाजार है जो सुरक्षित इसलिए है क्योंकि इसका नियंत्रण करता भी गवर्नमेंट है, सरकार है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रतिभूतियों का जो मूल्य होता है वो
लगभग स्थिर ही होता है, यहाँ पे अप एंड डाउन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सबसे सुरक्षित माना जाता है गिल्ड एज बाजार को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखते हैं औद्योगिक बाजार में क्या होता है, ठीक है। तो औद्योगिक बाजार में नए, ठीक है, नए शेयर या तो पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री की जाती है, ठीक है। नए और पुराने शेयर, ठीक है, इन दोनों की यहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है, बिक्री किया जाता है, यही इस चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बात करेंगे निजी प्रतिभूति के बारे में, हम बात करते हैं, ठीक। तो निजी प्रतिभूति बाजार में जो कार्य करती हैं उसे हम कंपनी कह देते हैं। जनरली हम कंपनी शब्द इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, निजी प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। तो निजी प्रतिभूति बाजार में जो कार्य करती है उसे कंपनी कहते हैं। इसका भी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये किसके तहत होता है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, इसमें आपको देखना है। और ये जो है कंपनी, आपको यहाँ पे कंपनी दो तरह को देखने को मिलेंगे। एक तो आपका पब्लिक लिमिटेड मतलब सार्वजनिक हो गया, पब्लिक मतलब, और ये निजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसका भी कुछ कुछ नियम होता है। पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए आपको कम से कम 7 शेयर होल्डर्स की आवश्यकता होती है, और प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 से 50 शेयर होल्डर्स आपको चाहिए, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, सरकारी कंपनी भी प्राइवेट हो सकती है, ठीक है। तो ये बात तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि कोई भी कंपनी सरकारी प्राइवेट या निजी कैसे होती है, अगर उसका 50% प्लस, ठीक है, 50% से ज़्यादा शेयर सरकार खरीद लेता है तो सरकारी हो जाता है। अगर 50% से ज़्यादा शेयर जो है प्राइवेट खरीद लेता है मतलब निजी व्यक्ति खरीद लेता है तो वो क्या हो जाता है, निजी कंपनी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसी तरह जो है प्राइवेट कंपनी भी सरकारी हो सकती है, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड जिसका अर्थ क्या होता है, आम जनता का पैसा लगा हुआ है। अब देखते हैं आगे हम। तो यहाँ पे प्रतिभूति जो बाजार है, हम इसको बात करेंगे दो तरह के हैं, ये प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट और सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट मतलब प्राथमिक प्रतिभूति बाजार कहाँ है, जहाँ कंपनी सीधे जनता के बीच अपने शेयर जारी करता है। यहाँ कोई बिचौलिया या ब्रोकर दलाल यहाँ पे नहीं होता, सीधे लोगों के बीच जारी हो जाता है, ठीक है। ये नए शेयर होते हैं, ये कौन से शेयर होते हैं, नए शेयर होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। और इनके जारी होने से पूंजी बाजार में नया निवेश आता है, ठीक है। तो इससे क्या, इस नया है, नया निवेश आ रहा है इसलिए प्राथमिक हो गया, ठीक है, और ये सीधे जारी हो जाता है, ठीक है, कोई ब्रोकर नहीं होता। और इसमें बात करते हैं सेकेंडरी में क्या होता है, जहाँ कंपनी शेयर क्या करता है, ब्रोकर के माध्यम से, ठीक है, ब्रोकर के माध्यम से निवेशकों के बीच खरीदे व बेचे जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पुरानी प्रतिभूति खरीदी जाती हो, ठीक है, तो ये वो शेयर होते हैं जो प्राइमरी शेयर मार्केट में बिक चुके होते हैं, ठीक है। तो अगर जो प्राइमरी शेयर मार्केट में बिक गया हो वो सेकेंडरी शेयर मार्केट में और जाके बिक सकता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसे क्या कहते हैं, देखिए इसी द्वितीयक बाजार को हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब आप पढ़े ही होंगे। तो इसी द्वितीयक बाजार को ही स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो शेयर बिक चुके होते हैं उनका और खरीद बिक्री यहाँ पे होता है, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी में। तो ये सारी चीज़ें हो गए। अब दोस्तों अगली क्लास में हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, तो वो क्लास भी आप जरूर देखिएगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।